पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ये लॉ कहां लगता है? जब दो से ज्यादा वेक्टर्स की एडिशन हो, जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। तो रूल ये कहता है कि पहले आप इसको पॉलीगन की साइड्स बनाओ, एक ओपन पॉलीगन की साइड बनाओ, पॉलीगन नहीं ओपन पॉलीगन। ओपन पॉलीगन और पॉलीगन में फर्क है। पॉलीगन का मतलब है आपने ए बी सी डी को क्लोज ही कर दिया, बात ही खत्म कर दी। ओपन पॉलीगन का मतलब है ए बी, मतलब ए सेम ऑर्डर में बी लो, सेम ऑर्डर में सी लो, सेम ऑर्डर में डी लो। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। अब ये ओपन है, बंद मत कर देना, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर यहीं क्लोज कर दोगे ना, क्लोज नहीं करना, ओपन रहने दो। तो ओपन रहने दिया, तो आखिरी साइड जो बनेगी ओपन, इसको क्लोजिंग साइड बनाओ। तो इसकी क्लोजिंग साइड है, तो पॉलीगन लॉ कहता है जो क्लोजिंग साइड बनेगी वो रिजल्टेंट होगा ए वेक्टर का, बी वेक्टर का, सी वेक्टर का एंड डी वेक्टर का। तो इसको प्रूव करने के लिए बहुत सिंपल काम है, आप एक काम करो, ये ए वेक्टर लो, ये बी वेक्टर लो, दीज आर टेकन इन सेम ऑर्डर। तो अगर मैं क्लोजिंग साइड लूं यहां पर, तो क्लोजिंग साइड क्या मानी जाएगी, ए वेक्टर बी वेक्टर का रिजल्टेंट, तो क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, साथ में एक और वेक्टर है सी वेक्टर। तो ये वेक्टर सेम ऑर्डर में है एंड दिस इज क्लोजिंग साइड। और अगर ये क्लोजिंग साइड है तो इसका आंसर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। फिर आगे क्या कंटिन्यू हो रहा है इसके साथ, डी वेक्टर। तो क्लोजिंग साइड क्या होगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो हो गया पॉलीगन लॉ प्रूफ। अब आपको मैं बताता हूं, नहीं आपने ए वेक्टर को नहीं टच करना, एज इट इज लगाना है। बी वेक्टर जैसा है उसी डायरेक्शन में लगाना है, सी वेक्टर जैसा है वैसे ही लगाना है और डी वेक्टर भी जैसा है वैसे, तो नहीं चेंज होएगा, चेंज ही करना। अब क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन पता है क्या है, आर का मैग्नीट्यूड बोलो क्या होगा। ये तो आर वेक्टर है ना, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, आर की वैल्यू बोलो क्या होगी। जैसे आर की वैल्यू ट्राइंगल और पैलोग्राम में क्या थी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। इसमें आर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, मुझे नहीं पता क्या होगा। तो आपको फिर लॉ क्या कर रहा है, मेरे को नहीं पता क्या कर रहा है, मैं तो यूज़ भी नहीं करूँगा इसे। तो फिर हम कैसे काम करेंगे, अगर रिजल्टेंट निकालना हो हम दो दो करके काम करेंगे। हम पहले एक वेक्टर दो वेक्टर लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकाल लेंगे, फिर तीसरा वेक्टर लेंगे, फिर आंसर निकाल लेंगे, फिर चौथा लेंगे, फिर उसके साथ आंसर निकाल लेंगे। या एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, हम करेंगे इसमें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स करके एक टॉपिक है आगे, वो बहुत ही आसान टॉपिक है। तो हम मल्टीपल वेक्टर्स को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से सॉल्व करेंगे। ये लॉ बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट क्योंकि ये लॉ है, डेफिनेशन कहीं ना कहीं काम आ सकती है, तो मैंने आपको बता दिया। तो पॉलीगन लॉ में क्या करना है, इफ़ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बाय साइड ऑफ ओपन पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक स्टेटमेंट एज इट इज ऐसे ही लिखनी है।